माँ आपको बहुत हार्दिक प्रणाम। आपको भी मेरे बहुत बहुत प्रणाम। नसा दीदी, बहुत वर्षों बाद आपसे मिलके बहुत बहुत आनंद हुआ है। ज्योति माँ, मेरे भी प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम से बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कितने वर्षों के बाद, अब कम से कम 12 वर्ष के बाद मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप आए हैं आपके पास आके, और आपसे निवेदन है कि आप हमें कुछ ओशो की बातें बताएंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपने उसी परिवार में जन्म लिया और बचपन से आपने ओशो को देखा होगा। कुछ भी जो आप को लगे कि आप बताने जैसा है जरूर बताएं हमें। वहां से शुरू करें, आपको ओशो की पहली स्मृति कौन सी है? कहा नहीं जा सकता बचपन का। तो ओशो 7 साल तक नानी के पास रहे, फिर जब वो वापस आए तो आप भी उसी घर बैठे उस समय। इतना जरूर मुझे ध्यान में है ओशो की स्मृतियों में, जैसे मैं ओशो से 1 क्लास पीछे पढ़ती थी और मुझे कभी नई किताबें नहीं खरीदना पड़ी पढ़ने के लिए। हर साल ओशो की किताबें मुझे मिल जाया करती थी, और ऐसे मिलती थी कि जैसे खोली भी नहीं गई। उनके पास एक बहुत सुंदर स्लेट थी, स्लेट जिसको वो रोज चमकाते थे, आईने की तरह रखते थे चमका के। तो हमारे वहां क्या था कि 4 साल तक, 4th क्लास तक स्लेट में लिखते थे, उसके बाद कॉपी पेन से भी लिखते थे। तो 4 साल मेरी निगाह उनकी स्लेट पर लगी रही, यह स्लेट मुझे कब मिलती है। जब उन्होंने 4th पास कर ली, 5वीं में गए, तो उन्होंने स्लेट मुझे भेंट कर दी। इतनी सुंदर स्लेट थी कि मुझे आज भी यहाँ पर दिखाई देती। और कोई संस्मरण उस समय? अब क्या सुनना पसंद करेंगे, वो पूछ मेरे से तो शायद भीतर से निकल आया कुछ। ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आता। आपने कहा कि आप उनसे 1 साल पीछे थे पढ़ाई में, तो वो आपको पढ़ने में कुछ सहयोग देते थे? पढ़ने मेरी पूरी हेल्प करते थे। उन दोनों क्या था, हमारे स्कूल में ये स्वतंत्रता संग्राम का समय था, उस समय तो हर शनिवार को लेक्चर किसी नेता को बदलना पड़ता था। तो मुझे तो उतना समझ में नहीं आता था क्या करूं। वो मुझे कभी गांधी के ऊपर, कभी सुभाष के ऊपर लेक्चर लिख के देते थे, और घर में टेबल पे मुझे खड़ा करके रिहर्सल करवाते थे कि जिसमें मैं स्कूल में जाके ठीक से बोल सकूं। इतने सुंदर अक्षर होते थे उनके कि उन अक्षरों की आज भी याद करके मेरा मन गदगद हो जाता, और मैं जाती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतती थी उनके लिखे हुए उस पर। मुझे याद है एक बार आपने बताया था कि वो कुछ ड्राइंग से बना के आपको देते थे। मुझे कढ़ाई का बहुत शौक था। तो हम लोग सच में बहुत गरीब परिवार से थे, तो पिताजी कभी पैसे नहीं देते थे फालतू खर्च करने के लिए कि मैं उसके लिए कुछ चित्र ले आऊं या कुछ ले आऊं। तो कहते थे परेशान होने की जरूरत है। इतनी प्यारी पेंटिंग्स मुझे बना के देते थे, उनको मैं कढ़ाई में बनाती थी। फिर रेशम से कभी जाली के ऊपर, कभी वॉल हैंगिंग जैसी बनाती थी, और चित्र मुझे हमेशा उनसे मिलते थे। बहुत बढ़िया ड्राइंग थी उनकी, और खूब सुंदर सुंदर चित्र बना के देते थे काम के लिए। ओशो ने खुद भी अपने बचपन की कुछ हरकतें बताई हैं, आपको कुछ याद आ रही है? ओशो तो खुद ही बता चुके हैं सारी, कुछ और उसके अलावा आपको कुछ ख्याल नहीं आ रहा? आपसे उनका बहुत ही प्रेम था, बहुत लगाव था मुझसे। ये मेरा बड़ा बेटा बैठा है, ये बचपन से इससे उनका बहुत लगाव था, क्योंकि तब वो भगवान नहीं बने थे, मामा कहलाते थे। जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो मैं भी छुट्टियों में पहुंच जाती थी वहां। ये जब छोटा सा था, वो रात को 11-12 बजे कहीं से घूम कर आए हैं और हम लोग सो गए हैं, इसको सोते हुए उठा के
पानी पीते थे और पानी के कुल्ला इसके मुंह में करते थे। इसको जगाना है, खिलाना है घंटे को, उसके बाद सोने देते थे। मैं कहूंगी भैया रोने लगेगा मत जगाओ, मुझे तंग करेगा, वो नहीं, उसको जगा लेना फिर खूब खेलना उसके साथ। राकेश भैया आप इस संबंध में कुछ कहेंगे क्या, करना की याद है आपको? हाँ, मेरी स्मृति बहुत पीछे तक जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद मैं एक वर्ष या दो वर्ष छोटी था के करीब की आयु मेरी रही होगी। मुझे नारायण जी का पूरा घर अपने आंखों में दिख रहा है और आंगन हुआ करता था, आंगन में सोते थे, और आंगन में पलंग लगा रहता था जहां मैं और माँ सोते थे, और उसी के पीछे एक छोटा बाथरूम था। तो मामा जब रात को आते थे तो आके उठा के मुझे पहले तो हवा में दो चार बार ऊंचा उछालते थे, और उछालने के बाद मेरा मुंह ऐसा खोल के पानी का कुल्ला करते थे और मुझे उठा के फिर खिलाते थे, और फिर काफी देर तक फिर उसके बाद में सो जाता था। कभी उस वक्त तो समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बड़े होते हुए, कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान के हाथों में हूँ और भगवान अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। कभी कभी खींच के रोने भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उनका स्नेह मुझे अलग से महसूस होने लगा। मुझे भी नदी नहाने का बहुत शौक था, और वो तो रामघाट करके एक हमारे गर्रावाड़ा में घाट है सक्कर नदी के ऊपर, जो घर से करीब 2 किलोमीटर पड़ता था, हम लोग बहुत गहरा पानी था वहाँ। तो वो जबलपुर से जब लौटे हैं तो एक नाव लाए जिसमें हवा भर के बनी थी, रबर की थी वो, हवा भर के पूरा नाव का रूप ले लेते थे। तो लेके गए और मुझे उसे बिठा के और ढका दिया उन्होंने गहरे पानी में। हालांकि मैं उस वक्त बहुत अच्छा तैरना नहीं जानता था, तो डर गया और रोने लगा कि मुझे बचाइए आप। फिर उन्होंने खुद कूद के जो है पानी में और नाव खींच के फिर किनारे तक लेके आए। उन्हें प्रयोग करने का शौक बहुत पहले से था, जब वो मैं समझता हूँ कि 10वीं 11वीं कक्षा के छात्र रहे थे, वो गर्रावाड़ा में होंगे। उस वक्त में वह बहुत छोटा था, तो वो हिप्नोसिस के प्रयोग किया करता था। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड के ऊपर काली शाही से ऐसा एक सूर्य बनाया हुआ था, उसकी किरणें किरणें, और वो अंधेरे में सब कुछ दिखा के ट्रांस में ला के और हिप्नोटाइज कर देते, और फिर जो सवाल पूछते थे जैसे जवाब देते। तो नानी ने कहा कि ये भी बहुत शरारती है, तुम इसको करो और इसको कहो कि ठीक हो जाए। उन्होंने मुझे हमारे नाना के आगे एक कमरा था हॉल, जिसमें उस हॉल में एक अलमारी के किनारे मुझे चटाई के ऊपर लिटाया, और लिटा के मुझसे कहा कि ये पोस्ट कार्ड की ओर देखो, इसमें काला सूर बना है, इसको एक तक देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और फिर मुझे सजेशन देना चालू किया कि तुम्हारी आंखें मुड़ रही है और नींद जैसे आ रही है, तो काफी 10-15 मिनट तक सजेशन दिया उन्होंने, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो 15 मिनट बाद फिर मैंने आंख खोल ली, तो नानी ने बोले इसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो बोले इसकी आत्मा जो है ना वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये आसानी से हिप्नोटाइज होने वाली नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने बात को खत्म कर दिया। बहुत जादू के खेल ये, वो बहुत इसके साथ खूब करते थे, प्रयोग भी बहुत करते थे। याद आता है कि जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था तब हर छुट्टी में, मतलब मेरा स्वर्ग था नानी का घर। तो एक माह दिवाली की छुट्टी में और 2 माह गर्मी की छुट्टी में, और इसको थोड़ा थोड़ा और 10-10, 15-15 दिन बढ़ा के इतनी छुट्टियों में मैं नानी के घर हमेशा रहा। अकेले से तो जब ओशो आते थे जबलपुर से, जब वो वहाँ राबर्सी कॉलेज में प्राचार थे, तब वहाँ एक काबरा जी हैं वकील साहब, उनका बगीचा था, उसमें ले जाके ध्यान कराते थे सब लोगों को रात्रि को, और उस ध्यान में मैं भी शामिल होता था। कि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो आदेश देते थे मन करता था कि उनके सारे आदेशों को मानता चलूं, और बहुत अच्छा लगता था। फिर ओशो के पास में गोलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था मैं, तो मेरे पिताजी
व्यवसायी थे, हम लोग खंडवा में रहते थे, खंडवा से ही मैंने मैट्रिक पास किया। तो जब वहाँ एडमिशन कराने की बात आई जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पिताजी ने जाने से इनकार किया, बोले तुम्हारे मामा है वहाँ, उनके पास चले जाओ, वो करा दिए। तो कितना सौभाग्यशाली हुआ कि ओशो मुझे अपनी कार में बिठा के खुद ड्राइव करके और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने लेके गए, मेरा एडमिशन कराया। और फिर हर शनिवार एक बार, तो मेरा हक था, मैं घर आ जाता था हॉस्टल से, तो दो दो दिन प्रति सप्ताह उनका पूरा साथ मुझे मिलता था। क्रांति महोत्सव थी, अच्छा खाना बना के खिलाते थे। फिर इस बीच में ओशो जब भी कहीं प्रवचन देने जाते थे जबलपुर से पास में, तो उन शनिवार इतवार में, तो मुझे भी कार में ले जाते थे। और जब हम लोग सब लौट के आते थे तो मुझसे बड़े प्यार से पूछते थे, कहो रघु दास कैसा रहा। मेरा नाम राकेश है, मुझे प्यार से रघु कह के बुलाते थे हमेशा। तो हमेशा पूछते थे, कहो रघु दास कैसा रहा। मैं कहता मामा बहुत अच्छा रहा, सारे लोग बहुत अच्छे से सुनते रहे चुपचाप बैठ के। इस तरह करते करते फिर जीवन यात्रा आगे बढ़ी, ओशो पूना चले गए। पूना के पहले ओशो बॉम्बे गए थे, मेडल रोड पे वुडलैंड बिल्डिंग में, तो मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। उनके पास वहां गया, वहां रहा, वहां मैंने देखा कि बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स मेरे सामने उस वक्त में, फिरोज खान और महीपाल थे, फिरोज खान थे और शशि कपूर, ये लोग उनसे मिलने आते थे, बैठते थे और अपने कई आध्यात्मिक प्रश्न उनसे पूछते थे और वो उसका भी जवाब देते थे। फिर वो सब पूना आ गए, तो पूना फिर प्रतिवर्ष हम लोग जाते थे आश्रम में नानी के पास भी, सबके पास मिलने के लिए। और धीरे धीरे प्रेम उनमें और बढ़ते ही गया। पूरे आश्रम की गतिविधियां और आश्रम का पूरा विकास हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। फिर बीच में ऐसा मन हुआ, तो फिर मैंने एक पत्र भी लिखा उसको कि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के देहावसान के बाद मैंने घर में जो मेरी जवाबदारी थी पूरी कर ली है, बहनों की शादी हो गई है, व्यवसाय भी जम गया है, छोटे भाई बड़े हो गए, तो अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं आश्रम में आके रहना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने माँ लक्ष्मी से पत्र लिखाया कि नहीं, तुम्हारी अभी जरूरत वही है और तुम वही रहो और वहीं से रह के जो है अपना काम करो, और आश्रम में आते हो तो ज्यादा समय के लिए आना चालू करो, और ये भाव छोड़ो कि तुम मामा के पास जा रहे हो, गुरु का भाव मन में लाओ और आश्रम को पत्र जो है जाता। उसके बाद धीरे धीरे ओशो पूरा अमेरिका चले। अमेरिका से लौट के जब माँ गई थी अमेरिका उनके पास रहने, मैं तो नहीं जा पाया अमेरिका, लेकिन जब अमेरिका से लौट के बॉम्बे आए थे तो हम लोग मिलने गए थे, मैं और मेरे मित्र हैं गिरिजाशंकर शर्मा, हम दोनों लोग उनसे मिलने गए थे। तो बहुत शांत और एकदम ग्लूमी दिख रहे थे, और सब चेयर में बैठे हुए थे, बुलाया और बहुत धीरे धीरे स्वर में कहा कि मुझे वहाँ ऐसे तंग किया गया, फिर वहां से उसको मनाली गए, तो मनाली में माँ वहां गए थे, और वहां से लौट के धीरे धीरे एक दो वर्षो ने देशना दी, तो मामा का भाव जाता रहा और मन में गुरु का भाव। सन 1972 में मेरा विवाह हुआ, तो सबसे पहली बार मैं और मेरी पत्नी जो है ओशो ने माउंट आबू में जो कैंप लगाया था उसमें हम लोगों को बुलाया था कि बहू को आशीर्वाद देना है, तो दोनों को वहीं भेज दो। तो हम लोग वहां गए और वहां हमने संन्यास लिया, जो मैं स्वामी राकेश नाम दिया था। और मेरी पत्नी को उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर में वारस के रूप में आई है, जिस चीज को छुएगी स्वर्ण कर देगी उसको, तो मैं इसको नाम देता हूँ माय गुरु पारस। और इस तरह अनेक स्मृतियां उनसे जुड़ी हुई हैं, और धीरे धीरे उनकी देशना के कारण अपनी स्मृति भी खोती जा रही है। और अब स्थिति ये हो गई कि पहले उनके शब्दों को सुनते थे और ध्यान में डूब जाते थे, लेकिन फिर भी शब्दों का अर्थ बीच बीच में कहीं समझने की कोशिश करते थे,
अब ये स्थिति हो गई कि उनकी आवाज सुनते हैं, शब्द नहीं सुनते हैं, ना कोई अर्थ पता होता ना कुछ, तो जैसे मीनू बसती है और साफ नाचने लगते हैं, बस उनकी आवाज आते ही मन जो है नाचने लगता है, कहाँ खो जाता है कुछ पता नहीं, पूर्ण जागरण होश रहता है, अपना और अपने शरीर का अलग अलग बोध होता है और अपने आप को धन्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने कृपा कर अपने परिवार में हमें आमंत्रित करके जन्म दिलाया, अपने प्रेम में डाला, इतना साथ दिया और गुरु के रूप में कृपा बरसा गई। यही